जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको इंडियन आर्मी रैली कटिहार की भर्ती यहाँ पे निकल चुकी है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं फुल प्रोसेस आपको बताता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होने वाला, एडमिट कार्ड कब आने वाला और फिजिकल कब होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और किन्हीं को उनमें कोई भी सवाल सवाल करें, कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो रैली होने वाला है वो 4 जनवरी 2020 से 16 जनवरी 2020 तक होने वाला। ये रैली आपका भर्ती होने वाला है गढ़वाल ग्राउंड आर्मी कैंप कटिहार में। ये आपका होने वाला है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, मैन कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन डेट आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, 5 नवंबर 2019 से ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि 19 दिसंबर 2019 तक ही लास्ट डेट आपका यहाँ पर है ऑनलाइन करने का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, और 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक आप लोग एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो यहाँ पर जैसे अररिया डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट का, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा एंड सुपौल बिहार के लिए 4 जनवरी से 16 जनवरी तक है आपका रैली भर्ती। किन किन पदों पर यह भर्ती है यहाँ पर ध्यान से देख ले, जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती है, जनरल ड्यूटी, ठीक है। जीडी का है, सोल्जर टेक्निकल का है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग का है, सोल्जर क्लर्क का है, टेक्निकल का है, सोल्जर ट्रेडमैन्स का भी यहाँ पर है भर्ती, खास करके यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ऑल ट्रेडमैन्स का भी यहाँ पर भर्ती दिया गया है, खास करके ध्यान से देख ले आप लोग। तो चलिए इसमें बात कर एज की बात करूँ तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया है राष्ट्रपति को 17.5 से 21 साल चाहिए आपको सोल्जर जीडी के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 वाले चलेंगे, उसके बाद वाले नहीं चलेंगे। 10th पास, 45% मार्क्स भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ और कुछ भी नहीं चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के 17.5 से 23 साल रहता है, सभी पद के लिए 17.5 से 23 साल रहता है, ठीक है, ओनली जीडी छोड़ा के। और बाकी बात करूँ तो आपको 1 अक्टूबर 1996 का डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली देखिए मेंशन कर दिया गया 2002 तक वाले चलेंगे यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता, जिन लोगों को नहीं पता कृपया एक बार ध्यान से नोटिफिकेशन joininindiaarmy.nic.in पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, सोल्जर क्लर्क के लिए जो होता है 10+2, 60% मार्क्स आपको चाहिए, ईच सब्जेक्ट 50% मार्क्स चाहिए, यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है। सोल्जर ट्रेडमैन्स के लिए सिंपल पास चाहिए, 10th सिंपल पास, क्लियरली यहाँ पर देखिए कह दिया गया है। हाउस कीपर एंड मेस कीपर ओनली के लिए यहाँ पर देखिए 8th पास चाहिए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, 8th पास भी चलेंगे। चलिए और आगे बात करूँ तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, रनिंग 1600 मीटर की होने वाली है, जो कि 60 मार्क्स की होगी, और 5.5 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो 48 मार्क्स मिलेगा। बीम 10 मारने पर आपको 40 मार्क्स मिलेगा, 9 मारने पर 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यही आपका अपडेट है, उसके बाद आपका फिजिकल का अपडेट है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है यहाँ पर क्लियरली करें, लॉन्ग विथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है, 2 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड फोटोकॉपी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी है आपका सभी को ओरिजिनल, डोमिसाइल, कास्ट, रीजन, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिट सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वही बहुत अच्छी बात है। आप लोग 10 रुपये का डेबिट आपको लेके यहाँ पर जाना है, तत्काल सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर क्लियर दे रहे नो तत्काल नेगेटिव सर्टिफिकेट विल एक्सेप्टेड, यहाँ पर जो कि आवासीय जाति है सब आप लोग तत्काल लेके जाते हैं वो नहीं चलेगा। चलिए आगे मैं बात करूँ तो आगे अब कुछ भी अपडेट नहीं है, और ज़्यादा जानकारी आप लोग joininindiaarmy.nic.in पर जाकर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, और कोई सवाल ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कमेंट्स ऑप्शन कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।